हेलो, वेलकम टू वेब दुनिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में और आज हम युवाओं से बात करने वाले हैं नाहिद के बारे में। जी हाँ, नाहिद वही 16 साल की लड़की है जिसके खिलाफ 46 मौलवियों ने फतवे जारी किए हैं। तो ये कहाँ तक सही है, इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से और जानेंगे कि क्या है उनकी राय इस पर। वो तो गलत है, ऑब्वियसली बात है। और केवल हम मुस्लिम धर्म पे ही ना जाएं, किसी भी धर्म में, किसी भी सेक्शन में अगर वुमेन्स हैं, उनके साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वो गलत ही है, चाहे फिर वो फतवा हो, हिंदू में घूंघट हो या कोई भी चीज़ हो, वो गलत ही है। टैलेंट अगर किसी के अंदर है तो उसे शो करने का पूरा राइट है, भगवान ने उसे वो टैलेंट दिया है तो उसे पूरा हक है कि वो शो करे। एंड फतवे जारी करना ये सब बिल्कुल गलत है, राइट? तो आई थिंक ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। धर्म को हर चीज़ में घुसाना बहुत गलत है, ये अलग ही चीज़ है। सिंगिंग एंड धर्म दोनों बहुत अलग चीज़ है, उन्हें साथ में ज्वाइन करना बिल्कुल सही नहीं है। मौलवियों की छोटी सोच है एक्चुअली, क्योंकि जो टैलेंट है उसको आप शो कर सकते हो, या आपका मतलब फ्रीडम है, या आपका फंडामेंटल राइट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सो ये बस मौलवियों की छोटी सोच है कि फतवे जारी करके उन्हें रोकना है। सिंगिंग से मुझे नहीं लगता कोई धर्म को अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये तो कला है और काफ़ी धर्म मतलब अपने बुक्स में बताते हैं कि कला को मतलब ऊपर उठाना चाहिए। एक आर्टिस्ट है और वो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, दुनिया को शो कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर सजेशन दे सकते, कमेंट कर सकते, पर उस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते कि ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी वो एक छोटी बच्ची है, नादान है, तो ऐसे करना मेरे हिसाब से तो गलत है। छोटी बच्ची है, उसे हक है कुछ गाने का ये, बट अगर वो किसी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जैसे वो आतंकवाद के खिलाफ हो जाती है, वन कैन रेज अ क्वेश्चन, बट दे डोंट हैव राइट, और वी कैन से देर शुड नॉट डू सच केसेस, लाइक फतवा जारी नहीं करना चाहिए। वो छोटी सी बच्ची है, उसे ना, वो नादान है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। आप ओपिनियन दो, अपना व्यू दो, बट ये एक्सट्रीम हो जाता है। कोई भी अपनी आर्ट प्रेजेंट करना चाह रहा है तो कहाँ तक सही है कि आप उसको रोकें? अब जैसे आप आर्ट ही है, पढ़ाना भी एक आर्ट है, अब आप टीचर्स को जाके बोलने फतवा जारी करेंगे पढ़ाओ मत, मौलवी लोग भी बताते हैं, मौलवी लोग जो होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, मानिए मत मानिए, उनकी जो प्रेजेंटेशन जो चीज़ कर रहे हैं वो भी आर्ट ही है उनका, क्योंकि वो भी प्रूव नहीं कर सकते कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी वहाँ पे हमें जो एक पूरी कथा सुना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो भी उनका एक आर्ट है, वो अपना प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके लिए कोई फतवा जारी नहीं है या उसके लिए कोई उनके पर बाउंडेशंस नहीं है, तो हम क्यों गायकी या ऐसी चीज़ें, एक्टिंग और कोई अपने व्यूज़ प्रेजेंट करें? जैसे अभी एक फिल्म आई थी कमल हसन साहब की, उस पर भी रोक लगा था, तो हम क्यों ऐसे बाउंडेशंस पे रहें? क्या आपको भी लगता है कि ईदगाह दरगाह के पास अगर कोई म्यूजिकल नाइट होता है तो अल्लाह आने वाली जनरेशन से नाराज़ हो सकता है? मैम, अल्लाह अगर परेशान होंगे तो खुद आके बताएंगे ना, खुद आके बताएंगे कि मैं परेशान हूँ। जैसे अभी आमिर खान साहब की फिल्म पीके आई थी, उसके लिए सब लोगों ने बोला कि इसमें शिवजी का मजाक उड़ाया गया, शिवजी का मजाक उड़ाया, तो शिवजी खुद आ जाके बता देंगे कि मेरे को बुरा लगा, खुद अर्थ को एक ला देंगे, उनके पास तो काफ़ी पावर्स हैं। आप क्यों बीच में ऐसे अड़ंगा डाल रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं तो वो होना चाहिए? मैम कोई नहीं, एक बस पॉलिटिकल इशू बनाना है, काम धाम है नहीं कुछ, तो बस चलो चालू करें प्रोपोगंडा, एक प्रोपोगंडा रचना है तो वो अपना काम करते हैं।